मेरी एक कान पूरी तरह से खराब हो चुकी है, दूसरी कान में भी दिक्कत आ रही है। आज डॉक्टर साहब साहब बोले कि बेटा तुम कैसे सुन रही हो। मैं बोली कि थोड़ा बहुत सुनाई देता है मुझे। अच्छा, डॉक्टर बोले हैं कि कान का जो नस होता है सड़ गया है। ये रिजल्ट जो आएगा, हो सकता है डॉक्टर कुछ अच्छा बात बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने लास्ट डिसीजन सुना दिया कि लास्ट एक ही ऑप्शन है, ऑपरेशन नहीं होगा, तो जो भी बचा है सुनाई थोड़ा बहुत दे रहा है वो भी ख़त्म हो सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मेरे हस्बैंड जी का काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा है, बट घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहे हैं। और कल रात से ही मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द है और कान में थोड़ा सा मवाच टाइप भी आ रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से मतलब कान मेरा बह रहा था, तो सोचे अब काफ़ी दिक्कत हो रही है इस समय, तो हम लोग जाएंगे आज जाँच करवाएं। दोस्तों हम चल रहे हैं, पूरी तरह से रेडी हो जा रहे हैं और वीडियो में आप सभी को दिखाएंगे। जो कुछ भी होगा चैनल पे बने रहेगा। दोस्तों अपनी बच्ची को हमने रेडी कर दिया है, तो उसे कोई खिला रहा है और अब हम चलते हैं तैयार होने। तब तक ये चैनल पे बने रहिएगा। दोस्तों हम लोग आ गए हैं राव MRI में और पूजा जी का एक्सरे यहाँ पे होने जा रहा है। यहाँ पे पूजा जी हैं, सोच में पड़ी हैं क्या रिजल्ट आएगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, टेंशन में पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अंदर, देखते हैं पूजा जी घर बैठी हुई हैं। देखिए इधर बैठी हुई हैं, दिखाते हैं हम। ये देखिए विकास जी हैं, पूजा जी हैं, ऑपरेशन थिएटर में आके हम लोग बैठे हुए हैं। उधर विंसी बिटिया हैं, हमारी सीट पे आप बैठ चुके हैं जी। जल्दी से हट जाए नहीं तो बहुत बेकार होगा। चलिए दोस्तों बने रहिए, दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब एक्सरे रूम में आकर बैठे हुए हैं। अभी बुलाएंगे तो डॉक्टर साहब, हम लोग पूजा जी जाएंगे, कानों में का देखे निकाल चुकी हैं, बाजू की सब निकाल दी हैं, डॉक्टर बोले हैं। चलिए ये दोस्तों हैं, ये राव MRI, राव MRI वाला है ना जी, हाँ यही वाला है। वो विंसी बिटिया खेल रही हैं टिके टके करके, टके 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 टके। बेटा का बदमाशी कैले बड़ू दादा, आई देखा ये देखा काटा दिया। दोस्तों ये है गोरखपुर और चल रहे हैं हम लोग, पूजा जी चल रही हैं। चलिए चलिए चलिए। तो यही सब बात है दोस्तों की, यही रिपोर्ट है। मैं काफ़ी सालों से परेशान हूँ, मेरी शादी को 3rd साल लग गई और कान मेरे 4-5 साल से बह रहा है। मैं इनके साथ में लगभग 10 साल हो गए होंगे, भले ही शादी हमारा बाद में हुआ है, हम एक दूसरे को बहुत काफ़ी दिनों से जान रहे हैं। एक बार इन्होंने मुझे सदर में जांच भी करवाने लेकर गए थे, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं, डॉक्टर एक्सरे करने के लिए बोले थे डॉक्टर, बस वहाँ पर जाँच नहीं हुआ, हम जांच ना करवा के घर पे आए। इन्होंने कहा बाद में होगा, मैंने कहा ठीक बाद में होगा। मेरे कान थोड़े दिन ठीक रहा, फिर बाद में बहने लगा। मैंने बार बार बोला बह रहा, इन्होंने बार बार मेरी बातों को इग्नोर करते गए। और जब रो के बोली तो बोले सीरियस नहीं बोलती हो, आप ही लोग बताइए सीरियस किस तरह बोला जाता है। गलती मानती हूँ मेरी भी है, इनके ना सुनने पे मैंने भी शांत हो गया। मैं गुस्से में शांत हो जाती थी कि इन्हें मेरी फिक्र नहीं है तो मैं खुद का फिक्र क्यों करूं। मैं यही सोचती थी कि शायद इनके लाइफ से मैं ख़त्म हो जाऊं, मुझे इतनी प्रॉब्लम है तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी, इनको खुशी हो जाएगी, इसलिए मैंने इनसे कोई भी बात उतना बार बार टॉर्चर नहीं किया जितना इनको। अब इनके घर वालों के छोटी सी दिक्कत होती है तुरंत लेके जाते हैं। काश मुझे इतनी दिक्कत होने के बाद भी अगर मुझे तभी लेकर गए होते हैं तो आज मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। आज मेरी कान पूरी तरह से, एक कान पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मैं जब डॉक्टर के पास गई हूँ, अभी ये रिपोर्ट कुछ भी नहीं आया था, डॉक्टर ने कान देखते ही बोला कि बेटा तुम सुनती कैसे हो। मैंने बोला डॉक्टर एक कान से मुझे सुनाई देती है, थोड़ा बहुत सुन लेती हूँ। और तुरंत उन्होंने बोला कि तुम्हारे कान का फर्दा फट चुका है, फटना तो दूर सड़ गया है। कान का जो नस होता है, जो हड्डी होती है कान में, वो हड्डी भी गलना स्टार्ट हो गया, कुछ परसेंट गल गया है और इसके वजह से, इस कान के वजह से, इस कान में भी प्रॉब्लम तुम्हें आ गया है बेटा।
मुझे तो उस समय कुछ समझ नहीं आया, मेरे मुंह से बोली निकल नहीं रही थी कि मैं क्या करूं। मैं मेरे शांत रहने के वजह से आज मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। मुझे ऑपरेशन के नाम से ही बहुत ज्यादा डर लगता है दोस्तों। उन्होंने मेरा रिपोर्ट देखा, डायरेक्ट बोल दिया कि लास्ट डिसीजन है कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा। अगर ऑपरेशन नहीं मैं कराई तो मेरे दोनों कान से मैं सुन नहीं सकती, मुझे थोड़ा बहुत सुनाई देता है वो भी खत्म हो जाएगा। इंसान कोई भी हो दोस्तों, जैसे कि एक लड़की को उसके माँ बाप जैसे जानते हैं, काश उसके ससुराल वाले भी वैसे जानते तो शायद इसकी लाइफ खराब नहीं होती। आज मैं जिस दर्द से गुजर रही हूँ, काश मेरे दर्द को कोई समझता। मैं वहीं पे इनके सामने ही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी। जब से मैंने सुना, मैं रास्ते पर घुटन के मारे मैं घुटते आई हूँ, मैं बहुत तड़पते आई हूँ। मैं बोल नहीं पा रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा, ये नीचे है, मैं ऊपर आके वीडियो बना रही। मैं कितने दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने सोचा आप लोग मेरे फैमिली हैं, आप सभी को बताना जरूरी है। माँ बाप के जैसा कोई नहीं हो सकता दोस्तों इस दुनिया में। 10 दिन का उन्होंने ऑप्शन दिया है, 10 दिन बाद मेरी ऑपरेशन होगा, और ये भी नहीं बताया कि ऑपरेशन के बाद मैं सुनूंगी कि नहीं, मेरी लाइफ क्या होगी, मेरी जो ख्वाहिश है सिंगिंग का वो भी पूरा होगा कि नहीं। अगर मैं बहरी हो गई तो मैं कुछ भी नहीं सुन पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बोल नहीं पा रही हूँ दोस्तों, आप लोग प्लीज मुझे चाहने वाले जो लोग भी है भगवान से विनती करिए, मन्नतें करिए कि जो भी हो रहा सब ठीक हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, काफ़ी दिनों से परेशान थी हमेशा। मैं ब्लॉग जब जी परेशान होकर बनाई हूँ, अपने बारे में बताई हूँ, आज सीरियस मैटर हो गया है। ऑपरेशन के बाद अगर ऑपरेशन नहीं करवाई तो कैंसर भी बना सकते हैं, क्योंकि सड़ना मतलब पक गया कान, अंदर से पूरी खराब हो गई, बहते बहते पूरी कान खराब हो गई है। मेरी लाइफ इतनी ख़राब चल रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे तसल्ली होगा, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए।